हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो उड़ीसा से है। तो उड़ीसा के अंदर एलिफेंट्स को रेडियो कॉलर जो है वो पहनाए जाएंगे, इसके ऊपर जो है ये पूरा का पूरा आर्टिकल आधारित है। बात करेंगे क्या फायदा होगा इन रेडियो कॉलर्स का, इन सभी चीजों को हम विस्तार से समझेंगे। ओडिशा स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएस पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी हो या किसी भी एग्जाम की ओडिशा के अंदर अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रेपरेशन। तो आर्टिकल कहता है, द ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल फिट रेडियो कॉलर्स ऑन 7 एलिफेंट्स इन द स्टेट इन अ बिड टू ट्रैक एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो रेडियो कॉलर्स, रेडियो टेक्नोलॉजी से इसको जो है वो संचालित किया जाता है, या जहां जहां पर ये कॉलर जाएगा उसकी मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट हो सकती है कि कहां पर ये है। अब जाहिर सी बात है, जब एलिफेंट के ऊपर ये कॉलर लगाया जाएगा तो जहां जहां एलिफेंट जाएंगे उनकी लोकेशन जो है वो मालूम पड़ती रहेगी कि एलिफेंट जो है वो कहां पर घूम रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब लोकेशन कॉन्टिन्यूसली ट्रैक हो पाएगी तो इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट्स में हाथी जो है उनको घुसने से प्रिवेंट किया जा सकता है। जब भी कभी लग रहा है कि किसी ह्यूमन सेटलमेंट की ओर एलिफेंट जो है वो जा रहे हैं, तो समय रहते उनको जो है वो रोका जा सकता है। लेकिन यहां पर कुछ एक्टिविस्ट ने जो है वो इस मूव को अपोज किया है, इन रेडियो कॉलर्स को फिट करने के मूव को जो है वो अपोज किया है। बोला कि इससे प्रॉब्लम होगी या इससे कोई ज्यादा फायदा जो है वो नहीं होगा। अब जानते हैं एलिफेंट एक वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमल स्पीशीज है, तो इनका यूं तो ये इंसान को जाती तौर पे कोई नुकसान पहुंचाते नहीं है, लेकिन अगर कभी इनका कॉन्फ्लिक्ट जिस तरीके से कभी ह्यूमन सेटलमेंट में घुस जाए, तो अपने आप को बचाने के लिए डर से हो सकता है ये इंसानों को नुकसान या उनके घरों को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बल्की एनिमल है तो ये इवन के सीमेंटेड वॉल्स को भी गिरा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो, ये कोशिश जो है ओडिशा के अंदर की जा रही है। और इसके लिए बेस्ट और मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन यही है कि इनको रेडियो कॉलर अगर फिट किया जाता है तो इनकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं, ये एलिफेंट्स जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स की ओर जा रहे हैं, तो समय रहते इनको रोक लिया जाएगा। ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल फिट रेडियो कॉलर्स, तो 7 हाथियों के ऊपर रेडियो कॉलर्स जो है वो लगाए जाएंगे। द कॉलर्स विल बी फिटेड ऑन 3 वाइल्ड एलिफेंट्स ऑफ चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ भुवनेश्वर एंड 4 एलिफेंट्स ऑफ द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो कॉलर है ये चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लगाए जाएंगे 3 एलिफेंट्स को, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 4 एलिफेंट्स को जो है ये कॉलर्स फिट किए जाएंगे। ये जो चंदका और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये दोनों ही उड़ीसा के अंदर मौजूद है। चंदका एलिफेंट सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कहा जाता है, ये जो है ये उड़ीसा के अंदर आती है। इसी के साथ में सिमलीपाल जो है वो मयूरभंज जिले में आती है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा है। तो ये दोनों ही जो है वो इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स हैं इन जानवरों के। तो नेचुरल पार्क्स और सेंचुरीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो काफी सारे नेचुरल पार्क्स और सेंचुरीज जो है वो उड़ीसा के अंदर मौजूद है, जिनकी हम बात कर रहे थे। ये है चंदका दामपरा, ये है, और साथ ही साथ में सिमलीपाल जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आती है। सिमलीपाल जो है यहाँ पर 4 हाथियों की मौजूदगी है, 3 हाथी जो है वो चंदका दामपारा में है। तो इन दोनों ही जगहों पर इन हाथियों को ये कॉलर जो है वो पहुंचाए जाएंगे, पहनाए जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं काफी सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज जो है उड़ीसा में मौजूद हैं, तो इनका लोकेशन कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं कभी कभार इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो रेडियो कॉलर इज अ लाइट वेट बेल्ट फिक्स्ड ऑन एलिफेंट्स नेक। रेडियो कॉलर जिनको नहीं मालूम है, रेडियो कॉलर दरअसल एक बेल्ट की तरह होता है जो कि हाथी के गर्दन पे डाल दिया जाएगा। द डिवाइस इज फिटेड विद अ जीपीएस डिवाइस एंड डाटा इज रिलेड ऑन अ रियल टाइम ऑन अ कंप्यूटर और अ मोबाइल ऐप। तो इस कॉलर के ऊपर जीपीएस लगा हुआ है, और ये जीपीएस जो है ये उनकी लोकेशन को ट्रैक करेगा, और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वो लोकेशन जो है वो आती जाएगी कि अभी हाथी यहां पर है, अभी हाथी जो है वो यहां पर है। This is for the first time the elephants were being radio collared by the Odisha Forest Department. तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओडिशा वन विभाग के द्वारा रेडियो कॉलर्स जो हैं वो एलिफेंट्स को ओडिशा के अंदर लगाए जा रहे हैं। ऑलरेडी ये कहां कहां पे लग चुके हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एंड असम गवर्नमेंट। तो पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी ये टेक्निक जो है वो यूज की जा चुकी है। ये रेडियो कॉलर्स जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि जब
ये जानवर किसी ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं तो डर के मारे या अपने बचाव के लिए वो इंसानों पर या उनके घरों पे, उनके एस्टेब्लिशमेंट पे जो है वो हमला कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने आपको बताया बचा कैसे जा सकता है, प्रिकॉशनरी मेजर है। अगर हमको समय रहते मालूम पड़ गया कि हाथी इंसानों की ओर जा रहे हैं तो उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी ये जो है वो चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग मैंने आपसे बात करी कि इस मूव का बहुत सारा विरोध हो रहा है, ऑपोजिशन हो रही है कि नहीं कॉलर्स लगाना जो है वो सही नहीं होगा। एज पर सम लोकल्स इट इज अ रॉन्ग डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू फिक्स द रेडियो रेडियो कॉलर्स ऑन टू वाइल्ड एलिफेंट्स विदाउट कंसल्टिंग नोटेड एलिफेंट रिसर्चर्स ऑफ द स्टेट। जो लोकल्स है, जो स्थानीय लोग हैं, उनके अनुसार हाथियों को ये कॉलर पहनाना सही नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डिसीजन, जब तक के वो किसी शोधकर्ता, किसी रिसर्चर से इसके बारे में कंसल्ट ना कर ले। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि इस तरीके के कॉलर वो पहना दें और उसके बाद में एलिफेंट्स जो है उनको किसी प्रकार का नुकसान हो। तो इस नुकसान को अवॉइड करने के लिए कोई ऐसा डर है उनको कि जानवरों को, एलिफेंट को कोई नुकसान ना हो, कहते हैं कि जब तक कोई एक्सपर्ट इस मामले में इस बात को जो है वो परमिशन नहीं दे देता या वो अपनी राय नहीं दे देते कि इनका कोई भी नुकसान एलिफेंट्स पे नहीं पड़ेगा, तब तक ऐसा करना जो है वो सही नहीं होगा, ये मानना है लोकल लोगों का। साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं टू स्पेंड ह्यूज सम ऑन द प्रोजेक्ट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इज नथिंग बट द शियर वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि रेडियो कॉलर पहनाने में काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, तो इतना ज्यादा लोग पब्लिक का पैसा जो है अगर उसके रिजल्ट्स नहीं आए या उसकी प्रॉपर प्लानिंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई तो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाए एंड इट वुड रिजल्ट इनटू अ शेयर वेस्टेज। रेडियो कॉलरिंग फेल्ड टू मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन छत्तीसगढ़। अब इनका कहना है कि रेडियो कॉलर जो है वो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में नाकाम रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो अगर हम इस एक्सपीरियंस के ऊपर जाएं तो द वेरी रीजन जिस वजह से हम ये कॉलर्स लगा रहे हैं वो तो डिफाई हो जाता है। हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए लगा रहे थे, लेकिन जिन स्टेट्स में ये लगाए गए हैं वहां पर इनका कोई भी रिजल्ट जो है वो आता हुआ नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां पर पहली दफा अक्टूबर 2018 में ये कॉलर जो है वो लगाए गए थे। तो अक्टूबर 2018 में ये कॉलर्स जो है वो एलिफेंट्स के ऊपर लगाए गए, लेकिन रिजल्ट्स क्या रहे? द रेडियो कॉलर्स विच हैड बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट रिमेन अटैच्ड फॉर लॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए, काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व था, ऑस्ट्रेलिया से रेडियो कॉलर्स मंगाए गए छत्तीसगढ़ के अंदर, ये अक्टूबर में 2018 में लगाए गए। आउट ऑफ दी फाइव रेडियो कॉलर्स अटैच टू एलिफेंट्स थ्री फेल ऑफ बाय मई 2019। तो अक्टूबर के बाद करीब 5 से 6 महीने में 5 कॉलर्स में से 3 जो है वो गिर गए। बाय 2020 वन मोर हैड फॉलन ऑफ। वो कहते हैं कि भैया यहां पर 5 से 6 महीने में जो कॉलर्स लगाए थे वो सारे के सारे गिर गए। अब क्योंकि एनिमल के ऊपर लगाया जाता है उसको थोड़ी ना समझ है कि ये कॉलर का क्या काम है, हो सकता है वो कभी जंगल में जाते हुए किसी पेड़ के साथ टकराए, कभी कुछ करे, तो उससे वो निकल जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक कॉलर क्योंकि विदेश से आ रहा है तो करीब 5 लाख रुपए एक कॉलर की कीमत होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 एलिफेंट्स को ये लगाए जाएंगे तो 35 लाख रुपया सिर्फ कॉलर की कॉस्ट आएगी। Additional cost of the same amount would be incurred annually in tracking the satellite signals and monitoring the elephant. तो अगर एक कॉलर को लगाने में 5 लाख रुपए लगते हैं तो इतना ही पैसा, करीब 5 लाख रुपए ही जो है वो उनकी मूवमेंट को भी ट्रैक करने में लगता है कि कॉलर्स की मदद से ट्रैक करने में कि एलिफेंट कहाँ जा रहा है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है रफली एक कॉलर का मेंटेनेंस और परचेजिंग कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए के करीब है, लेकिन ये अमाउंट जो है ये हमने छत्तीसगढ़ के केस में देखा कि 6 महीने भी नहीं जो है ये कॉलर्स ने सस्टेन किया, वो गिर करके उतर करके गिर गए थे। तो ये पूरा का पूरा कंसर्न है। अब कुछ जो पर्यावरणवादी हैं वो कहते हैं कि ऐसा ना हो इन कॉलर्स का एलिफेंट पे कोई नुकसान हो, और जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि पब्लिक का पैसा आप स्पेंड कर रहे हैं इस तरीके से, ऑलरेडी जहां पर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कोई भी रिजल्ट वहां पे नहीं आया है, पैसा यहां पे काफी ज्यादा जो है वो लगाया जाएगा लेकिन रिजल्ट जो है उसका नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर ये सारे के सारे कॉलर्स जो है वो उनके गले से ऑलरेडी निकल के गिर चुके हैं।
दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जहां पे रेडियो कॉलर्स फिट करने की बात हो रही है उड़ीसा के अंदर एलिफेंट्स के ऊपर, और इसके ऊपर कंसर्न और ऑपोजिशन क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बताया। आई होप हमको विस्तार से समझ में आया होगा। उड़ीसा स्टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी हो, कोई भी एग्जाम आप उड़ीसा के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में, तो जरूर इन कोर्सेज में एनरोल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।